गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। RWS गुरु डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। जीके का डेली डोज आपको सुबह 6 बजे मिल जाता है। तो टॉप 10 महासंग्राम में आज हमारा प्रैक्टिस सेट 14 है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ मैं। दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के जितने भी संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन मैं इसमें कराने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। किस सुल्तान ने धर्म को राजनीति से अलग रखा है? देखिए, पहला क्वेश्चन है किस सुल्तान, ऐसा कौन सा सुल्तान है जिसने जो धर्म था उसे राजनीति से अलग रखा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका यहाँ पे सही हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने जो है धर्म को राजनीति से अलग रखकर कार्य किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सतलज का पहला जो अफगान शासक था, अफगान शासक कौन सा था? तो दिल्ली सतलज का पहला अफगान शासक था आपका बहलोत लोधी, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ये बहलोत लोधी आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर लोधी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, सिकंदर लोधी के मकबरे का निर्माण इब्राहिम लोधी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलानीराम जो है किस शासक के दरबार में थे, या किस जो है शासक था, कौन सा उस टाइम पे कौन सा शासक था जिनके दरबार में ये रहते थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए, कृष्णदेव राय के दरबार में ये रहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। देखिए दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री को दक्षिणी ध्रुव का जो अक्षांश कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले पहले भारतीय जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेला था कौन थे वे? तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा KS रणजीत सिंह आपके पहले टेस्ट खेलने वाले पहले भारतीय थे। और बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कपिल देव, सुनील गावस्कर में, सी के नायडू में, तो ये नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? ऐसे क्वेश्चन जनरली बन जाते हैं क्योंकि इनमें जो है आपका एफर्ट थोड़ा नहीं लग पाता और समझ नहीं पाते आप। तो ओवरा जो है क्या है, ये थर्मल पावर स्टेशन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, थर्मल पावर स्टेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के संबंध का जो परीक्षण के लिए किस आयोग का गठन किया गया था, यानी केंद्र और राज्यों के बीच में जो मतभेद होते हैं उनको सुलझाने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, सरकारिया आयोग का गठन किया गया था केंद्र और राज्य के बीच संबंध बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी कहाँ पे गिरती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कच्छ के रण में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लूनी नदी कच्छ के रण में जाकर गिरती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जो बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके और वो भी टेस्ट लगा के ये समझ सके कि हमारी तैयारी कितनी है, कितनी पानी में हम चल रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को यही पता नहीं चल पाता कि उनकी तैयारी किस लेवल की चल रही है, वो कहाँ तक पहुँच पाएँ कहाँ तक नहीं है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर किया करो बच्चों, हमें बहुत अच्छा लगता है यदि आप कमेंट करते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो, अगर आप कमेंट करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 19 नवंबर, 19 नवंबर को शौचालय दिवस मनाया जाता है। तो गाइज ये थे हमारे टॉप 10 आज की सीरीज के क्वेश्चन, तो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।